हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बेहतरीन अपडेट दी जाती है जी। तो फटाफट से रीड करना शुरू करेंगे। ईएमआरएस एग्ज़ाम पैटर्न 2023 फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, आपको डिटेल में समझा दूंगी मैं यहाँ पर, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इनका क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, बने रहिए। अकॉर्डिंग टू द ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम पैटर्न, ऑल क्वेश्चंस विल कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी यहाँ पर थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होने वाला है, एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। वन मार्क इज गिवन ऑन ईच राइट आंसर, हर सही उत्तर के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 ऑफ फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। राइट, आपको समझ आया। देखिए, अगर आपका कोई भी एक आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, इसे कहा जाता है नेगेटिव मार्किंग। चलिए, तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईएमआरएस पीजीटी एग्जाम पैटर्न की। पीजीटी की बात कर रहे हैं पहले हम, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है इंग्लिश के यहाँ पर 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी के 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, कंप्यूटर लिटरेसी के 5, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 20। कहाँ कहाँ से पढ़े ये भी बताऊंगी, और सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर रहेगी आपकी 80 नंबर की। ठीक है, याद रखेंगे पीजीटी के एग्जाम में 80 नंबर की। तो इस तरीके से आपका ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर बनेगा 160 नंबर का। नोट यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है, वन मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्ट फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अब बात करेंगे ईएमआरएस टीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोजी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन। ठीक है, सारा वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको टीजीटी के एग्जाम में सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जबकि पीजीटी के एग्जाम में आपसे 80 नंबर का पूछा जा रहा था। ठीक है, तो टीजीटी में आएगा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज का पार्ट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर बनेगा 180 नंबर का। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, नोट में आपको लिखा देख रहा है, वन मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, ये आपको बता ही दिया मैंने, दोनों एग्जाम के लिए सेम चीज़ें रहने वाली है, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात कर लेते हैं, टीजीटी एप्टीट्यूड और पैडागोजी में आपसे पूछा क्या जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैडागोजी की कोई भी किताब उठा के आप तैयारी शुरू कर दें। देखिए, हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है, एक अलग से पैटर्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको पता होना चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी है इसलिए पूछा ही जाएगा। पैडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशंस, अप्रोचेस। प्लानिंग यानी कि योजना के बारे में पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन प्लान क्या होता है, ठीक है, अनुदेशात्मक प्लान क्या होता है, लेसन प्लान जैसे होता है, ईयर प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बन सके तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेस, जैसे कि टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ABET क्या है, लेबॉरिटीज, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट, इवेल्युएशन आपसे पूछा जाता है, मूल्यांकन क्या है। देखिए, मेरे चैनल पे ना छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हैं, जैसे आपको कोई भी डाउट होता है किसी छोटे से टॉपिक में तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, टीचिंग एग्जाम के लिए, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, उन वीडियोस को आप वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं इसे। इवेल्युएशन के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है यानी कि समावेशी शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। देखिए, एक क्लासरूम में ना अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, तो और डिसेबिलिटी भी पाई जाती है कुछ बच्चों में, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन, वही बात हो रही है बार बार, इंक्लूजन की बात हो रही है, इंक्लूजन यानी कि समावेशन पेशी जो शिक्षा है उसके बारे में आपसे पूछा ही जाएगा, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशूज अक्रॉस डिसेबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स,
स्कूल रेडीनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल एंड एटीट्यूडियल फॉर एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड द रोल ऑफ टीचर। रोल क्या है डिसेबिलिटी डिसेबल बच्चों की टीचिंग के लिए एक टीचर का, ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है आपका, ठीक है। दिखा देती हूँ कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसी को आधार बनाकर आप तैयारी करें, ठीक है। फर्क आपने देख ही लिया, पीजीटी के एग्जाम में आपसे 80 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट पूछा जा रहा था, जबकि टीजीटी के एग्जाम में 100 मार्क्स का पूछा जा रहा था। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज में। देखिए अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 12th क्लास की जो सीबीएसई की बुक है ना उसका जो सिलेबस है 12th से लेके ग्रेजुएशन लेवल, इसमें आपको लिखा दिख रहा है। देखिए क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2023 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, किसी भी से मेरा मतलब है हिंदी इंग्लिश जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो वो आपको सेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न में हिंदी भी मिलेगी दोबारा से, इंग्लिश भी मिलेगी दोबारा से, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है यहाँ पर टीजीटी। देखिए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर आपको शो कर दूंगी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्लास 10th से लेकर 12th तक का आपको तैयार करना है, ठीक है, उन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। इतना समझ आया, तो आज हमने बात की ईएमआरएस के सिलेबस के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में, पीजीटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे एसएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और जिस टॉपिक में आपको डाउट है वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।